राजधानी राजधानी। मालेगावातील सुप्रसिद्ध असलेले लोडा भवन, या लोडा भवनच्या शेजारीच मालेगाव महानगरपालिकेचा बाल रुग्णालय, महिला रुग्णालय आणि त्यांची मध्ये एक भिंत आहे। ही भिंत जी आहे ती महानगरपालिकेची आहे, पण ही भिंत जी साईड लोडा भवनकडे आहे ती इकडच्या साईडवर, ही भिंत अत्यंत मळकटलेली, खराब, अस्वच्छ आणि असं बघितल्यानंतर किळस वाण वाटेल, आपल्याला त्या भिंतीकडे बघूच वाटणार नाही अशी ही भिंत होती। मग या लोडा भवन मधल्या सगळ्या रहिवाशांच्या ते लक्षात येत होतं की ही भिंत अशी पण करावं काय, पण नेमका लॉकडाऊनच्या काळातला सदुपयोग इथल्या लहान लहान पोरांनी केला हे अतिशय महत्वाचं आहे। झालं काय की हे पोरं लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सगळे एकत्र व्हायचे, खेळायचे, गप्पा गोष्टी करायचे आणि मग त्याच्यातनं अनेक विषय यायचे। मग त्याच्यातच असं अचानक तिथल्या ज्या त्या स्नेहा मॅडम आहेत त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांनी पोरांना विचारलं आपण काहीतरी नवीन करूया, काय करू, कोणामध्ये काय कलागुण आहे। बघितलं तर अनेक पोरांना चांगली पेंटिंग येते आणि ती पेंटिंग त्याच्या कागदावर रेखाटतायत। मग त्या मॅडमच्या आणि काही पोरांच्या डोक्यात आलं की का नाही आपण ही भिंत स्वच्छ करून हिलाच रेखाटू आणि याच्यातनं चांगले चित्र काढू आणि चांगली प्रतिकृती करून चांगले चित्र काढून लोकांमध्ये चांगला संदेश देऊ। मग काय, चमकले डोळे सगळ्यांचे, सगळे म्हणा अरे वा छानच की, अतिशय सुंदर, आपल्याला करता येईल। अरे हो, पण मग याला खर्च, पैसा, वेळ कोण देणार? पुन्हा एकदा थोडंसं नर्वस पण लगेच विचार केला, नाही नाही, प्रत्येकाने आपापल्या घरी सांगायचं, आपल्या पालकांकडनं थोडीशी मदत मागायची, परमिशन मागायची आणि मग सगळ्यांनी ठरवलं आणि सगळ्यांनी पालकांकडे हा विषय मांडला आणि पालकांनी होकारार्थी मान हलवून त्यांना मदत केली। मग काय, सगळे हे तरुण तरुणी एकटोले एकटो झाले आणि लगेच कामाला लागले आणि त्यांचा हर्षोल्लास, आनंदोल्लास गगनात मावेन असा झाला। त्यांनी लगेच ती भिंत, खराब असलेली भिंतची पहिले धूळ झटकायला सुरुवात केली, ती ओरबडलेली खराब झालेली भिंत तिला पुट्टी लावणं, कलर लावणं, नंतर त्याच्यावर पेंटिंग काढणं। अहो 20 दिवस हे 20 ते 30 पोरं रोज 10-10 तास तिथे काम करत होते। त्यांनी त्यांचं जेवण, खावण, नाश्ता काहीच लक्ष नव्हतं, ते जागेवर बसून आपली पेंटिंग करत होते आणि त्यांचे आई वडील, पालक तिथले सगळे बघत होते, वा पोरं तर खूप छान काम करतायत। मग काय, मग लोडा भवनच्या कोणत्या घरातनं कधी त्या पोरांसाठी नाश्ता यायचा, कधी जेवण यायचं, कधी काय, आणि हे पोरं तिथेच बसून त्या पद्धतीने करायचं। लॉकडाऊनच्या काळातला सदुपयोग कशा पद्धतीने करता येईल हे त्यांनी दाखवून दिलं आणि आज त्या भिंतीवर अतिशय सुंदर सुंदर अशी चित्र प्रतिकृती, खूप छान संदेश देणारी अशी चित्र त्यांनी काढली आणि समाजापुढे एक आदर्श ठेवला। केल्याने होत आहे रे, आधी केलेच पाहिजे या म्हणीप्रमाणे त्यांनी ते करून दाखवलं। वाईटातनं चांगलं कसं करता येईल, ताकावतनं उपयोगी कसं करता येईल, ह्या गोष्टी या पोरांनी नक्कीच निदर्शनास आणला आणि एक आदर्श त्यांनी घालून दिला, एक प्रेरणा त्यांनी करून दिली की सुंदर काहीतरी केलं तर किती चांगलं, चांगलं केलं तर चांगलं होऊ शकतं हे त्यांनी दाखवून दिलं आहे। जाणून घेऊया आपण त्यांच्याच मार्फत, या व्हिडिओमार्फत, त्यांनी कशा या भिंती रेखाटल्या, कसा त्यांनी अप्रोच केला। नाम बताइए। और मैं अभी देख रहा हूँ कि ये लोडा भवन के अंदर कुछ मेरे को ये जो पहले दीवारें जो थी इसके अंदर कुछ तो भी एक नयापन सामने आ रहा है, ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ, जरा प्लीज़ डिटेल बताइए। नमस्ते, मैं स्नेहा सिद्धार्थ और मैं लोडा भवन की निवासी हूँ। और जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने देखा कि ये सारे बच्चे बाहर थे, हम सब टाइम काफ़ी था हमारे पास और हमने देखा कि हमारी दीवार काफ़ी पुरानी सी हो गई थी, तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि इसे थोड़ा सा बेटर बनाया जाए। प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल लग रहा था पर इन बच्चों के कला गुणों को देखते हुए सोचा इनको भी वाव मिलेगा। और 20 दिन 20 बच्चे और 10 घंटे रोज़ का आज ये फल है कि हम आज के दिन ये सुंदर सी दीवार देख रहे हैं। बिल्कुल सही मैडम, एक बात बताइए, मैं तो पहले यह दीवार को देख चुका हूँ, ये दीवार तो काफ़ी गंदी और बहुत ही ऐसी खराब दीवार थी, इसको आपने इतना अच्छे रूप में कैसे क्या बना दिया है सब? काफ़ी मेहनत लगी होंगी आपको इसमें? जी, बहुत मेहनत लगी, सारी मेहनत बच्चों ने की है, बहुत मेहनत से कॉन्सेप्ट ढूंढे, उसे किताब से दीवार पर लाना काफ़ी स्किल का काम है जो सारे बच्चों ने बहुत ही बखूबी निभाया और बहुत अच्छी तरह से सबने मिलजुल कर काम किया। इसमें आपने ये सब बच्चों ने मिलकर किया, कोई बाहर से कुछ वर्कर्स बुलाया कि उनके साथ किया कि नहीं, इसी बच्चों ने सब मिला के किया? सारा हम ही ने किया, सब बच्चों ने किया है। तो ये खर्चा काफी लगा होगा आपको?
जी हमारे माँ बाप बहुत प्रेम करते हैं हमसे, इसलिए हमारा काम हो गया। सभी के मतलब लोड़ा भवन के सभी लोगों ने आपको अच्छा सहकार्य किया, खुशी आपने बहुत अच्छा किया। आपने कैसे ये देख लिया, मैं तो देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर इतनी अच्छी कला है, ये सामने आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आपने ना सिर्फ दीवार को चेंज किया है, मेरे को लगता है कि बच्चों के अंदर जो कला गुण, जो छुपे हुए कला गुण है, उनको भी आपने बाहर लाया और ये आज एक अच्छा संदेश पब्लिक को दिया है। क्या बोलोगे आप इस बारे में? मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि बच्चों ने बहुत साथ दिया और आप लोग इतने इंस्पायरिंग शब्द बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पर मेरे लिए भी बहुत लर्निंग जर्नी रही है ये, मैंने काफ़ी सीखा है बच्चों से भी और ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सीखा है, तो उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। लास्ट सवाल है आपके लिए, अभी ये जैसे ये जो कला आपने यहाँ पे लोड़ा भवन में बताई है, ये यही सीमित रहेगी कि गाँव में और भी कई जगहों पर आप जाके करोगे इसे? देखते हैं आगे जैसा होगा वैसा देखेंगे। उसको तसेच या कलाकृतीची इतकी चर्चा झाली की ही कलाकृती बघण्यासाठी शहरातील विविध भागातील नागरिक मोठ्या संख्येने, महिला वर्ग पुरुष वर्ग तिथे उपस्थित होते आणि ते बघून त्यांची वाहवा करत होते। इतकेच नाही तर मालेगावचे तहसीलदार चंद्रजीत राजपूत हे देखील तिथे आले, उपायुक्त मालेगाव मनपाचे उपायुक्त नितीन कापडणे सपत्नीक तिथे हजर होते आणि त्यांनी सगळ्यांनी बघून त्यांची खूप प्रशंसा केली, गौरव उद्गार काढले आणि आश्चर्यचकित झाले की इतके कलाकार, इतके चांगले गुणी कलाकार, इतके लहान लहान कलाकार या गावात आहेत, याचं सगळ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आणि त्यांची खूप तोंड भरून प्रशंसा केली। मलाही तेच म्हणायचं आहे की इतर या वयातील पोरांनी सगळ्या चांगल्या गुणांचा वापर करून, आपल्या आतमध्ये असलेल्या गुणांचा वापर करून अशा पद्धतीने एक चांगलं समाजासाठी काहीतरी दिलं पाहिजे, यांच्यापासून प्रेरणा घेतली पाहिजे। प्रबंधभूमीसाठी हरीश मारू, मालेगाव। और लव वैल्यू जी, जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमें स्वच्छता और सब रखना चाहिए, हमें जहाँ भी हम रहते हैं उससे प्यार करना चाहिए, भले ही वो कोई भी जगह हो। थैंक यू। हम दूसरों को चढ़ना सिखाएंगे तो हम खुद भी उनके साथ चढ़ेंगे। जैसे कि बूंदे और छोटी छोटी लहरें ऊपर चढ़ती है, वैसे ही बड़ी बड़ी लहरें चढ़ती है। डैट मीन्स जैसे ही छोटी लहरें भी ऊपर चढ़ती है उसके साथ ही बड़ी लहरें भी चढ़ती है, तो हमें दूसरों को ऊपर चढ़ाना है तो हम अपने आप ऊपर चढ़ जाएंगे। थैंक यू। वर्ल्ड इज अ वन फैमिली, दैट मीन्स द हमारी पूरी दुनिया एक परिवार जैसी है। हम दुनिया के साथ चलेंगे तो डर है और इस साइड की सबसे स्माइलिंग फेस दिख रहा है। हम अगर अपनी लाइफ में किसी चीज़ से डील करना चाहते हैं तो या तो हम हैप्पीली डील करें तो भी वो चीज़ कंप्लीट होगी, और अगर हम मायूस होकर भी करें चीज़ कंप्लीट होगी। ईजिएस्ट वे इज दे सकते हैं। थैंक यू। ध्वनि प्रस्तुत होती है, हमारे काम में मतलब संस्कृत में चक्रास जो इसमें दिखाए गए, इसमें ये देखने के बाद ना मन को शांति मिलती है। हमें कभी भी पहचान बनानी होती है, रिस्पेक्ट बनानी होती है, वो खुद के बलबूते पे बनानी होती है। कलर्स भरो, सो इट हैज वेरी डीप सिग्निफिकेंस, सो इट्स लाइक रियली योर ओन आइडेंटिटी। सब अपनी आइडेंटिटी खुरा है, लाइक हमने भी नहीं सोचा था कि हम लोग इतना सब कर पाएंगे, लेकिन हमने ट्राई किया तो आए, काफ़ी हर्डल्स आए, काफ़ी लोगों ने बोला कि मत करो नहीं होगा, बट ये कोट पढ़ो ना तो फिर ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी की जा सकती है। कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, अपन म्हणतो की अपन उद्या अभ्यास करू आज करू आणि आपल्याला राहूनच जातो, तर आपण असं बघा की आत्ता लगेच बसायला पाहिजे। या ड्रॉइंगचा अर्थ तसं होतो, मग सायंटिस्ट आहे, त्या चॅरिटीज आहे, त्यांची आहे ही ड्रॉइंग। आपण ड्रॉ केली की त्यांना ट्रिब्यूट द्यायला, त्यांच्या आर्टिस्टची त्यांच्या याला दुसऱ्यांपेक्षा जाणून घेण्यापेक्षा, म्हणून त्यांना दिलं आहे लव युअर सेल्फ। आणि ही ॲक्टिव्हिटी बॉल आहे म्हणून आम्ही सगळ्यांनी एकत्र मिळून केलेली आहे, बलून आम्ही कलरमध्ये डिप करून एक एक पॅच टाकलेले आहे। अकेले करे ज्यादा सब साथ में मिलकर करे ना, ज्यादा आसान होता है और मुश्किल नहीं होता। माझं नाव राधिका चंद्रकांत शिवरे। ही ॲक्टिव्हिटी बॉल आहे, इथे लव युअर सेल्फ लिहिलंय, म्हणजे मंजिल में रखनी चाहिए ना कि किसी दूर मंजिल में, अपने को छोटी छोटी खुशियाँ मनानी चाहिए।
वर्ल्ड मैप है और ये दुनिया के सारे वंडर्स। दुनिया वैसे तो बहुत बड़ी है पर अगर हम छोटी छोटी खुशियों में अपनी दुनिया देखें तो हमारी सारी दुनिया यही है। वैसे तो हम लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क सभी लोढ़ा भवन में ही लेके आ गए हैं। तो ऐसी ऐसी सोसाइटी कहीं पे भी नहीं है जहाँ सारे मॉन्यूमेंट्स बने हो, उतने ही आपको सारे मॉन्यूमेंट्स देखने मिल सकते हैं। तो अब जाना है या नहीं जाना है? जाना ही भी अच्छी हो गई अब तो। तो हमारी सारी दुनिया इसी कॉलोनी में यहीं पे है। कभी परिस्थिति हमें सबसे अलग होने का मौका देती है तो उसे कभी गंवाना नहीं चाहिए, हमेशा उस मौके को हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमें एक्सपीरियंस स्टार्ट करूँ मम्मा? हाँ, लिए अलग अलग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है और ज़िंदगी में लंबी उड़ान भरने के लिए हमें कलरफुल विंग्स के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। हमें आगे लाइफ में जैसी भी मुश्किलें आए, चाहे हम निराश हो या हम खुश हो, हमें हमेशा उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और हमारी लाइफ एकदम फीचर्स की तरह कलरफुल रखनी चाहिए। अपनी कॉलोनी अपनी जवाबदारी, अपने अपन अपनी कॉलोनी को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। हमारी जवाबदारी बाहर की क्या लीजिए छोड़ के अंदर की सूट करता रे। हेलो जमुना से सलामत अपनी हार से कर ये कौन माझं नाव राधिका चंद्रकांत शिंदे आहे। ही वारली पेंटिंग आहे, याच्यात जितके पण आपण फेस्टिवल साजरी करतो ते सगळ्याच्यात दाखवले आहे। निशिता शर्मा, निशिता शर्मा अगेन ये बॉल का एक ही मतलब होते हैं नहीं सब का। थैंक यू हमारे शाहर ऐसे अगर हाँ तो फिर भी चिंता किस बात की, और अगर नहीं भी कुछ कर सकते हो तो भी चिंता किस बात की, क्योंकि हम उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। थैंक यू शर्मा, जिसे आप सबको पता है कि हमारी याच प्रकारच्या बातम्या पुढेही आपल्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा प्रबंधगुरू चॅनल सबस्क्राईब करा आणि या बातमीला जास्तीत जास्त शेअर करा।